you the winner for Top Model India Season 6 Male. So ladies and gentlemen, the winner for Top Model India Season 6 Male is contestant number 8. Well, let me tell you that our winners today are going to get cycles from Roadmaster Cycles. Both our winners are going to get cycles from Roadmaster Cycles, our sponsors. Thank you. जी, मेरा नाम सोमनाथ गोस्वामी है और अभी हाल ही में दिल्ली में कॉम्पिटिशन हुआ था मिस्टर टॉप मॉडल इंडिया 2022 सीजन 6 जो कि रजनी सुभा जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और 5 डेज का ग्रूमिंग सेशंस था और बहुत सारे राउंड्स थे उसमें जो कि क्लियर करने के बाद कल फिनाले फाइनली हुआ और मुझे उसमें विनर का खिताब मिला एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर पाया वहाँ पे और बहुत ही जल्द मुझे ये चांस भी मिलेगा कि मैं बाहर जाके इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर पाऊँ तो इस बात की बेहद खुशी है मुझे। यहाँ पे 9 लड़के और 9 लड़कियाँ थी और उसके बाद टॉप 5 डिसाइड किया गया और टॉप 5 में से फिर 3 विनर्स चुने गए। अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था पर ये बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरा 3.5 सालों का और मैं काफ़ी टाइम से नेशनल टाइटल तो एक अलग ही मज़ा हो रहता है उसका। कई बार मैंने कोशिश करी पर मैं नहीं कर पाया बट मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत बड़े स्टेज पर मुझे ये नेशनल टाइटल मिला और अब बाहर जाके इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर पाऊंगा तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे। यंग्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? किसके लिए? यंग्स के लिए, यूथ का। यंग्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि मुझे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे शॉर्टकट लेने के। किसी भी फील्ड में शॉर्टकट हमेशा रहता है बट मैं ये कहूँगा कि आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। बेटर है कि आप मेहनत पे भरोसा दिखाएं। किस्मत किस्मत की बात होती है, जो 5% लक होता है, कभी देर से काम होता है कभी जल्दी काम होता है, काम जरूर होता है तो मेहनत के साथ ना छोड़ें। जी, आगे के बहुत सारे प्लान्स हैं। फिलहाल तो कुछ वेब सीरीज़ के भी बातचीत हो रही है तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता फिलहाल बट हाँ, ऑफिशियली एक बार अनाउंसमेंट हो जाए तो मैं भी ज़रूर अनाउंस करूँगा। और दूसरा जो है कि इस किताब को बाहर जाके भी रिप्रेजेंट करना है तो उस चीज़ का भी वेट है। एक बार वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाए तो मेरा अगला टारगेट वही रहेगा। इसके लिए यंग्स के लिए, यूथ का, यंग्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि मुझे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे शॉर्टकट लेने के। किसी भी फील्ड में शॉर्टकट हमेशा रहता है बट मैं ये कहूँगा कि आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। बेटर है कि आप मेहनत पे भरोसा दिखाएं। किस्मत किस्मत की बात होती है, जो 5% लक होता है, कभी देर से काम होता है कभी जल्दी काम होता है, काम जरूर होता है तो मेहनत के साथ ना छोड़ें। जी, आगे के बहुत सारे प्लान्स हैं। फिलहाल तो कुछ वेब सीरीज़ के भी बातचीत हो रही है तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता फिलहाल बट हाँ, ऑफिशियली एक बार अनाउंसमेंट हो जाए तो मैं भी ज़रूर अनाउंस करूँगा। और दूसरा जो है कि इस किताब को बाहर जाके भी रिप्रेजेंट करना है तो उस चीज़ का भी वेट है। एक बार वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाए तो मेरा अगला टारगेट वही रहेगा। जी, मैं पहला श्रेय तो अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे सपनों को अपना सपना समझा, मेरे ड्रीम्स को अपना ड्रीम समझा, एम्बिशन को बिलीव किया मेरे एम्बिशन पे। और मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जो मेरे ट्रेनर हैं, इन्होंने ही पहचाना था कि मैं एक दिन मॉडल बन सकता हूँ तो मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा कि यही है जिन्होंने पहचाना था, जिन्होंने मुझे करीबन 5 साल पहले बोला था जिम में मुझे कि तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम चाहो तो मॉडलिंग में ट्राई कर सकते हो। तो उनके बाद ही मैंने शुरू करा था 3.5 साल पहले तो मैं इनको भी श्रेय देता हूँ उस बात को और मेरे सारे दोस्तों को जिन्होंने अब तक मुझे काफ़ी सब पिछले 5 दिनों से इतने सारे मैसेजेस थे मेरे पास बट हमारे सेशंस इतने टफ था, स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था, उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाया बट आपके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम अरबाज हुसैन है तो मैं इनको 5 साल पहले मिला था तो जब मैं जिम में इनकी मेहनत देखा तो मुझे तभी लगा था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे तो तभी मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप करो मॉडलिंग करो, आपकी फिजिक अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो बंदे ने बहुत कोशिश किया और बहुत जगह पर ट्राई किया और हमेशा सक्सेस पाया सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से। क्योंकि मैंने जिस सब लोग ऑडियंस देखते हैं, इनका परफॉर्मेंस देखते होंगे,
इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कुछ बनना है लाइफ में तो मेहनत पे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा मेहनत पे फोकस करना है, क्योंकि जो आप होमवर्क करोगे वही आप स्टेज पे दिखा पाओगे, वही आप सक्सेस पा पाओगे, जैसे भाई ने पाया मेरे। बहुत ज़्यादा खुश है और आगे बहुत कुछ पाना है इनको, और मेहनत इनकी जारी रहेगी। मुझे पता है ये गिव अप करने वालों में से तो है नहीं, तो बहुत कुछ होगा आगे, बस आप सब लोगों का ब्लेसिंग चाहिए।